हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आ रहा हमारा है स्टैटिस्टिक्स पार्ट सिक्स और ये मेजर ऑफ सेल्फ टेंडेंसी का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा वो है हार्मोनिक मीन और इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है वो ज्योमेट्रिक मीन वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हारमोनिक मीन की डेफिनेशन और फॉर्मूला हारमोनिक मीन का एप्लीकेशन और हारमोनिक मीन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स दो देखेंगे एग्जाम्पल्स और एक एग्ज़ाम्पल उसमें हम कंपेयर करेंगे कि एरिथमेटिक मीन और हारमोनिक मीन में एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आता है वो भी हम एग्जाम्पल्स के जरिए डिस्कस करेंगे सो so मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट तक वीडियो देखें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको बहुत ही मजा आएगा सो लेट्स स्टार्ट सो फ्रेंड्स हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द हारमोनिक मीन द हारमोनिक मीन इज़ बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ़ द नंबर्स एवरेज जो हम नंबर्स का एवरेज करते हैं उसके रेसिप्रोकल पे बेस्ड है हमारा हारमोनिक मीन इट इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तो पहले हमको क्या करना है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल और फिर एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल में वो हम वैल्यूज को डाल देंगे सो so, थोड़ा भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप फॉर्मूला देखेंगे आप इजी समझ जाएंगे थर्ज फॉर अनग्रुप डेटा हारमोनिक मीन इज एन अपॉन सिगमा वन अपॉन एक्स कंपेयर करते हैं एरिथमेटिक मीन से एरिथमेटिक मीन क्या है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन है तो पहले क्या बोला है कि ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तो एक्स जो हमारा है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गया अब पहले उसका रेसिप्रोकल करना है तो वन बाय हो गया हो गया कि नहीं हो गया फिर उसका सिग्मा अब एरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि सिग्मा एक्स अपॉन है पर यहाँ, सिग्मा एक्स अपॉन एन है पर मीन में क्या हो रहा है कि एन अपॉन सिग्मा वन अपॉन एक्स ये हमारा समझ लो कि ये हमारा एक्स है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला उल्टा हो गया ना हमारा सिग्मा एक्स है समझ लो ये तो आप देख रहे हो कि एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल वो हमारा है हार्मोनिक मीन सो क्लियर कर देता हूँ फिर से तो हार्मोनिक मीन क्या होगा हमारा हार्मोनिक मीन होगा हमारा एन अपॉन सिग्मा वन अपॉन एक्स ये हमारा होगा अनग्रुप डेटा के लिए ये होगा हमारा हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रूप डेटा ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा कि हार्मोनिक मीन इज एन अपॉन सिग्मा f बाई एक्स इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले हम x वन अपॉन एक्स जो है जैसे बुक अगर हम करना है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का अब उस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका सम्मिशन कर देंगे और उसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा हो गया सो so ये हमारा फॉर्मूलिया और डेफिनेशन आपको होप करता हूँ हो कि क्लियर हो गई होगी सो एप्लीकेशन क्या होगा हारमोनिक मीन क्या हमने फॉर्मूला देख लिया डेफिनेशन देख लिया तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा द हारमोनिंग मीन इज़ यूजफुल फॉर द कंप्यूटिंग द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट जो हमारा एवरेज रेट ऑफ़ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट होता है कोई भी कंपनी का उसको कंप्यूट करने के लिए हम हारमोनिक मीन का यूज़ करते हैं और एवरेज स्पीड एट विच अ जर्नी हैज़ बीन परफॉर्म्ड कोई भी जर्नी उसका एवरेज स्पीड क्या रहा है उसको कंप्यूट करने के लिए काम आता है और द एवरेज प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज़ बीन सोल कोई भी आर्टिकल का एवरेज प्राइस क्या होगा उसको जो बेचा है उसको मापने के लिए अब द रेट जो है रेट वर्ड जो है यूजली इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड रेसिप्रोकली रेट क्या होता है कि दो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स को इंडिकेट करता है रेसिप्रोकली यहाँ पे लिखा ही है

और उसको हम लिख लेते हैं फोर किलोमीटर पर आवर तो द रेट एट विच ही वॉकड उसकी जो स्पीड थी चलने की वो क्या थी फोर किलोमीटर पर आवर तो दो दोनों अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स हैं और उसको हमने रेसिप्रोकली एक्सप्रेस किया है किलोमीटर पर आवर तो आप रेट का मीनिंग आप समझिए होंगे वेर द यूनिट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ किलोमीटर एंड द यूनिट ऑफ द सेकेंड टर्म इज एंड आवर सो फ्रेंड्स आप रेट को समझ लिया होगा आपने और कोई भी चीज़ की रेट जानने के लिए हम हारमोनिक मीन का यूज़ करते हैं यहाँ पे हमने लिखा ही है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स और द रेट एट विच और द एवरेज स्पीड एट विच जर्नी हैज़ बीन परफॉर्म और वो सब अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है सिंपल एग्ज़ाम्पल है देख लेते हैं द कैलकुलेट द हारमोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है एफ दिया हुआ है और हमको हारमोनिक मीन फाइंड करना है सो so, शुरू करते हैं ईजी है बहुत हार्ड नहीं है हमको वेरिएबल हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी लिख लिया अब जब अभी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्लास होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले मिड पॉइंट एक्स फाइंड सॉरी मिड पॉइंट एक्स फाइंड कर लेते हैं तो जीरो टू टेन का मिड पॉइंट क्या होगा फाइव वैसे इसका हो जाएगा फिफ्टीन और फिर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव फिर आ जाएगा थर्टी फाइव फिर आ जाएगा फोर्टी फाइव तो हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो गया तो so फ्रेंड्स हमने एक्स मिड पॉइंट हमने फाइन कर लिया अब हमारा पहला काम क्या है हमारा देखो यहाँ पे पहला काम है हमारा वन अपॉन एक्स करना ये फॉर्मूला होगी क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए है वन अपॉन एक्स करना ये पहला काम होगा हमारा तो पहले वन अपॉन एक्स कर लेते हैं एक्स हमको मिल गया है अब उसका करेंगे वन अपॉन एक्स तो पहला होगा हमारा वन अपॉन फाइव तो उसकी वैल्यू होगी क्या पॉइंट टू फिर हम होगा हमारा वन अपॉन फिफ्टीन तो उसकी वैल्यू क्या होगी पॉइंट ज़ीरो सिक्स सेवन फिर होगा हमारा वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव सबका वन अपॉइंट कर देना है सबका रिसिपो कर ले लेना है फिर होगा हमारा वन अपॉइंट थर्टी फाइव फिर हो जाएगा हमारा वन अपॉइंट फोर्टी फाइव अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला में क्या हम क्या करेंगे जो भी वन अपॉइंट एक्स मिला है उन सब ऑब्जर्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ये रहे हमारे और हमारा वन अपॉन एक्स तो ये हो गया हमारा एफ़ अपॉन एक्स फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो पहले होगा एट इंटू पॉइंट टू विच इज़ होगा वन पॉइंट सिक्स फिर होगा हमारा फिफ्टीन इंटू पॉइंट ज़ीरो सिक्स सेवन वो होगा हमारा वन फिर होगा हमारा पॉइंट ज़ीरो फोर इंटू ट्वेंटी उसका आंसर होगा हमारा पॉइंट एट फिर हमारा क्या होगा कि पॉइंट ज़ीरो टू एट इंटू फोर वो हो जाएगा हमारा पॉइंट वन वन फोर और लास्ट में हो जाएगा हमारा पॉइंट ज़ीरो टू थ्री इंटू थ्री और वह हो जाएगा हमारा पॉइंट ज़ीरो सिक्स नाइन ओके okay, तो हमारा हो गया ये एफ़ बाई एक्स भी निकल गया अब क्या करना है आपको सिंपल करना है फॉर्मूला लगा दिए नहीं मीन की वो हो गया हमारा एन सिग्मा f एफ़ बाई एक्स हमारा एन क्या है तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख लेते हैं हमारा एन क्या है फ्रीक्वेंसी हमारी एट प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस फोर प्लस थ्री तो हमारा हो जाएगा फिफ्टी तो हमारा एन हो गया फिफ्टी डिवाइडेड बाई इसका हमको पहले सम करना होगा तो इसका सम भी कर लेते हैं कि 1.6 पॉइंट सिक्स प्लस वन प्लस पॉइंट एट प्लस पॉइंट वन वन फोर प्लस पॉइंट ज़ीरो सिक्स नाइन ये होगा हमारा थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री थ्री पॉइंट फाइव थ्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा फिफ्टी अपॉन थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री इज इक्वल्स टू थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव फोर सेवन सो so, ये हमारा हो जाएगा हारमोनिक मीन तो ग्रुप डेटा के लिए हमको क्या करना है कि वेरिएबल हमको दिया है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे एक्स मतलब फाइंड कर लेंगे उसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका सीमोशन समेशन फाइंड कर देंगे और हमारा फ्रीक्वेंसी का समेशन जो हमारा एन दर्शाएगा और एन अपॉन ये सिग्मा कर देंगे तो हमारा हारमोनिक मीन निकल जाएगा तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो so, फ्रेंड्स हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और इस दिसंबर में हम एर्समैनिक मीन और हार्मन मीन डिफरेंस क्या है वो पता चल जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है तो आप देखते जाइए अब एग्जाम्पल में क्या है अ टॉप फैक्ट्री हैज़ असाइंड अ ग्रुप ऑफ फोर वर्कर्स टू कम्प्लीट एन ऑर्डर ऑफ फोर्टीन हंड्रेड चार वर्कर्स है उनका ग्रुप है उनको बोला है कि आपको कितने टॉयज कम्प्लीट करने हैं चौदह सौ ऑफ अ सर्टेन टाइम द प्रोडक्टिव रेट्स ऑफ द फोर वर्कर्स आर गिवन बिलो वर्कर्स का कितना प्रोडक्टिव रेट है वो दिया है कि वर्कर ए जो है वो चार मिनट लेता है एक टॉय बनाने के लिए बी जो है वो छः मिनट लेता है एक टॉय बनाने के लिए सी जो है दस मिनट लेता है और डी जो है हमारा पंद्रह मिनट लेता है फाइन द एवरेज मिनट्स पर टॉय बाय द ग्रुप ऑफ वर्कर्स ये जो चार वर्कर का जो ग्रुप है वो एक टॉय बनाने के लिए कितना टाइम लेगा वो हमको फाइन करना है तो इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन में हमारा दो पार्ट होगा एक पार्ट में हमारा एर्थमेटिक मीन यूज़ होगा और दूसरे पार्ट में हमारा हारमोनियम इन यूज तो शुरू करते हैं पार्ट वन इसमें क्या हम एज्यूम करेंगे इफ वी एज्यूम दैट ईच ऑफ द फोर वर्कर्स ईच ऑफ द फोर वर्कर्स हैज बीन असाइन द सेम नंबर ऑफ टॉयज नंबर ऑफ टॉयज टू प्रोड्यूस ये हमारा है पहला एजम्पन इसका मतलब क्या होगा कि 1400 सौ टॉयज टोटल है वो चारों चार में डिवाइड हो जाएगा मतलब 1400 सौ एक ही तरीके के टॉयज हुए और वो चारों वर्कर्स में डिवाइड हो जाएगा तो एक वर्कर के लिए कितना होगा 350 फिफ्टी टॉयज थ्री फिफ्टी टॉयज पर वर्कर अब इस एजम्पशन में हमारा जो यूज़ होगा वो होगा एरिथमेटिक मीन क्योंकि एरिथमेटिक मीन इस सजेंशन में हमको करेक्ट आंसर दे देगा और एरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स अपॉन एन तो एन क्या है मीन चार वर्क है मतलब चार और सिग्मा एक्स क्या है सबके प्रोडक्ट यूनिट्स का हमको सिग्मा कर देना है तुमको फोर प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फिफ्टीन इसका आंसर हो जाएगा थर्टी फाइव बाई फोर पर टॉय मतलब इतने मिनट्स लगेंगे एक टॉय बनाने के लिए ग्रुप ऑफ वर्कर्स को जो चार जन का है ये हमारों का पार्ट वन अब इसका सॉल्यूशन का पार्ट टू देखते हैं पार्ट टू और इसमें हम एजम्शन क्या करते हैं कि नाउ वी एज्यूम दैट नाउ वी एज्यूम दैट ईच ऑफ द वर्कर ईच ऑफ द वर्कर वर्क सेम अमाउंट ऑफ टाइम वर्क सेम अमाउंट ऑफ टाइम बट प्रोड्यूसिस डिफरेंट टॉयस प्रोड्यूसिस डिफरेंट टॉयज पहले हमने क्या किया था कि सारे मिलके एक ही तरीके के टॉय बना रहे हैं चौदह सौ टॉय एक ही तरीका का टॉय है बनाना है और सब में डिवाइड हो गया है. मतलब साढ़े तीन सौ टॉयस पर मिनट डिफरेंट नंबर ऑफ टॉय इस मतलब, में जो हमारा यूज होगा वो होगा हारमोनिक मीन तो हारमोनियम मीनिंग की फार्मूला क्या होगी एन अपॉन सिगमा वन अपॉन एक्स तो एन ही हमारा है फोर सारे सबके प्रोडक्टिव रूट्स का रिस बुक मतलब वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन अब इसका एस लेंगे तो इसका आंसर आएगा फोर इंटू सिक्सटी बाई थर्टी फाइव जो इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी एट अपॉन सेवन मिनिट्स फॉर टॉय ये जो तो एजेंशन है थोड़ा प्रैक्टिकल है क्योंकि जो भी कंपनी होता है इसमें वर्कर्स जो होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट उसका आउटपुट रहता है सब सब वर्कर्स के और इसमें दिया भी ऐसा ही है कि एक वर्कर चार मिनट ले रहा है एक टॉय बनाने के लिए मतलब ये जो टॉय है वो चार मिनट में बन जाता होगा ऐस एस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक ही टॉय को एक वर्कर चार मिनट में और दूसरा पंद्रह मिनट लेता है और दोनों को काम में रखा भी है तो प्रैक्टिकली ये एजम्पन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ये एजम्पन ज़्यादा पॉसिबल है तो और इस एजम्पन में हम क्या हमारा क्या हो जा रहा है हारमोनिक मीन और पहले एजम्पन में हमारा क्या हो रहा था एरथमेटिक मीन इसका हम वेरीफिकेशन भी देख लेते हैं अब एक टॉय बनाने के लिए फोर्टी एट बाई सेवन मिनट्स हो रहे हैं तो सारे टॉयज़ बनाने के लिए अपने तो काम तो चौदह सौ टॉयस के लिए है ना तो चौदह सौ टॉयस के लिए कितना टाइम लगेगा कि चौदह सौ इन फोर्टी एट बाई सेवन मतलब नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिनट्स नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिनट्स चौदह सो टॉइज बनाने के लिए अब ये हमारी वैल्यू राइट right है या रॉन्ग है उसके लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं वेरिफिकेशन अब टोटल टाइम चौदह सो टॉइज बनाने के लिए क्या है चार चार वर्कर्स के लिए नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब एक वर्कर कितना टाइम ले रहा है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बाई फोर विच इज इक्वल्स टू टू ये होगा हमारा टू फोर ज़ा एट सिक्सटीन तो हमारा हो जाएगा फोर फोर ज़ा सिक्सटीन टू फोर जीरो जीरो मिनिट्स पर वर्कर मतलब एक वर्कर चौदह सौ मिनिट्स के लिए काम कर रहा है तो टॉयज प्रोड्यूसिस प्रोड्यूस बाय वर्कर ए वर्कर ए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड मिनट्स में कितने टॉयज प्रोड्यूस करेगा कि उसकी एक टॉय के प्रोड्यूस करने की रेट uh, क्या है फोर मतलब फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई फोर तो वो कितने प्रोड्यूस करेगा कि फोर वनजा फोर सिक्स मतलब छः सौ प्रोड्यूस करेगा वो वैसे ही बी कितने प्रोड्यूस करेगा कि चौदह सौ भाई उसका रेट क्या है सिक्स तो फोर हंड्रेड सी हमारा होगा फोर्टीन हंड्रेड बाई टेन विच इज़ टू फोर्टी और डी होगा हमारा 1400 हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई फिफ्टीन विच इज़ इक्वल्स टू वन सिक्सटी अब इन सारों का जब टोटल करेंगे तो होगा ज़ीरो ज़ीरो होगा हमारा वन प्लस टू तो सेवन तो सेवन प्लस फोर हमारा होगा इलेवन प्लस टू ट्वेल्व थर्टीन और हमारा होगा फोर्टीन मतलब आपका चौदह सौ ट्वाइस आ गया नंबर आ गया तो वेरिफिकेशन भी हो गया ओके तो इस एग्ज़्जाम्पल में हमको बहुत ही इंटरेस्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने पार्ट वन में जो एजम्पन किया उसमें एरथमेटिक मीन यूज आता है क्योंकि हम उसमें एज्यूम किया कि सेम नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनाने और दूसरे पार्ट में हमने एज्यूम किया कि टाइम सेम नंबर ऑफ़ टाइम के लिए काम करते हैं पर डिफरेंट टॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एजम्शन है वो भी हमने बात की सो so, इस एग्जाम्पल में मीन और मीन के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा और होप करता हूँ आपको ये वीडियो भी पूरा अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक किया शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही आपको हेल्प की ज़रूरत है एंड थैंक यू